तो मैकटेन एंड हीरोइक टू मास्टर की पुशिंग की वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज के मैचेस में भाई बंदों को गाड़ी से उतर उतर के मारने में बहुत ही मजा आया भाई। लिटरली आप देख सकते हो मेरे सामने एक बंदा था, उसको उतर के क्या ही डैमेज दिया। और भाई ये बंदा बच ही रहा था, अब इसके ऊपर जाके डायरेक्ट रश कर देता हूँ। रश करने के साथ भाई उसको खतरनाक डैमेज देके खत्म कर देता हूँ। और भाई कभी कभी मैचों में तो देखो भाई सामने बंदा है, अब इसको मैं कितना डैमेज दूंगा। तब भी भाई को मैंने पहले भी डैमेज दिया, बट ये मार के चले गया यार। और ऐसे मैच तो बहुत सारे निकले हैं। एंड आज के मैचेस में क्या ही भाई, बिना बुया करे इतनी प्लस मिल जाती थी कि हमें बुया की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। एंड अब गाइस भाई हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, तो फटाफट से करते पुशिंग एंड ग्लोरी भी बढ़ाते और चलते पहले मैच में, देखते क्या हुआ। एंड भाई पहले ही मैच में देखो मैं अभी लैंडिंग करके फ्री हुआ था, यहाँ पे मैकटेन मिल जाती और यहाँ पे भाई बंदे की फुट स्टेप आ रही थी, तो मैं फटाफट से इधर की साइड आता हूँ और बंदा दिख जाता। बंदा जैसे ही दिखा भाई को डैमेज तो तगड़ा दिया, यहाँ पे अभी मेरे को भी डैमेज तो पड़ा है, तो यहाँ पे वेट करते हैं। मेडिकेट मार के भाई इस साइड से जाता हूँ और ये बंदा भी इस साइड से ही आ रहा था, तो फटाफट से इसके सामने जाके इसको पर रश कर देता हूँ और भाई को हेडशॉट पे हेडशॉट देके खत्म कर देता हूँ। और इसी के साथ हमारा पहला किल आ जाता है और अब चलते हैं नेक्स्ट किल के लिए। एंड अब भाई मैं मोस्टर ट्रक चला रहा था, बट सामने से भाई फायरिंग आ जाती है। अब जैसे ही फायरिंग आई मैं जाता हूँ और बंदे को ठोक देता हूँ और इसी के साथ खत्म हो जाता है भाई। बंदा मेरे को मैकटेन से मारना था, बट ये बंदा तो ऐसे ही मर जाता है। एंड भाई अब मुझे लूट भी चाहिए थी, बट यहाँ पे एक बंदा और होता है यार जो सेंटिनो से इधर उधर जा रहा था, तो मैं अभी लूटता नहीं, यहाँ पे निकल लेता हूँ और निकलने के बाद यहाँ आता हूँ। बट यहाँ पे आके भाई बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे दो बंदे पहले ही फाइट कर रहे थे और यहाँ पे एक बंदा जैसे मोस्टर ट्रक में बैठता है मैं बैठ जाता हूँ इसी के साथ। बट यार ये हमें मार ना दे कहीं। और अब होती है हमारी इंटेंस फाइट भाई। जैसे ही घर में घुस रहा था मैंने उसको देख लिया और भाई उसको डैमेज देने का ट्राई किया, बट भाई ये निकल लेता है। बट इधर की साइड से जाता हूँ, इधर की साइड से भाई दूसरा बंदा आ जाता है, बट यहाँ पे भाई पीछे से भी डैमेज आने लग जाता है। अब यहाँ पे सामने वाले को देखो या पीछे वाले को, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था, तो यहाँ से निकल लेता हूँ। और भाई ग्रेनेड भी फेंक दिया था इसने। अब यहाँ से तो जैसे तैसे बच जाता हूँ और भाई फाइनली मैं परमानेंटली कवर में आ जाता हूँ। बट सामने की ओर बंदा था और यहाँ पे भाई मुझे खुजली होती, उसको डैमेज भी देता हूँ और भाई मैं ही मर जाता हूँ यार। उसको डैमेज तो दिया था मैंने, बट मरता नहीं भाई ये। बट यार इस मैच से भाई 47 प्लस मिलती है और भाई ग्लोरी भी बहुत ही अच्छी प्लस होती है। और यहाँ पे भाई नेक्स्ट मैच में भी मजा आएगा, क्योंकि देखो भाई लैंडिंग करने के साथ ही यहाँ पे उतरता हूँ मैं एंड फटाफट से लूटने जाता हूँ। यहाँ पे गन तो नहीं मिलते, बट थर्ड ड्राइवर का बैकपैक मिल जाता है, लैंडमाइन मिल जाता है। यहाँ पे फटाफट से लैंडमाइन लगा देता हूँ भाई, कभी भी काम आ सकता है। एंड अब गाइस यहाँ पे M10 लेके जा ही रहा था, सामने बंदा दिख जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही आया भाई उसको डैमेज देने लगा और इसने रोनाल्डो का यूज कर लिया, बट मैं भी जाके इसके ऊपर भाई M10 चला दी और हेडशॉट के साथ खत्म कर दिया। बट भाई पीछे से बंदे ने मार दिया यार। एंड भाई इस पे नजर ही नहीं गई थी मेरी, बट भाई देखो मैंने लैंडमाइन लगा था तो बंदे का किल भी आ जाता है। एंड अब दो किल हो गए, बट भाई नीचे उतरते उतरते बंदे ने डैमेज दे दिया। अब मैं भाई यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे बंदे ने डैमेज देना शुरू कर दिया। अब यहाँ से जैसे तैसे बच के भाई इधर की ओर आता हूँ और सामने बंदा दिख जाता है, इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और यहाँ पे वेट करता हूँ भाई बाहर जैसे ही निकलेगा इसको डैमेज देके खत्म करूँ मैं। एंड भाई बाहर आ जाए यार फटाफट से। और भाई ये देखो अब जैसे ही बाहर आए उसको डैमेज दिया और भाई उसको हेडशॉट के साथ खत्म कर दिया। और इसी के साथ हमारे 3 किल हो चुके हैं। एंड अब मैं थोड़ी देर बाद भाई गाड़ी लेके जा ही रहा था और भाई गाड़ी चलाते चलाते बंदे उसे साइड में दिख जाते कहीं पर भी, तो इसलिए मैं फटाफट से पूरे मैप में गाड़ी जल्दी चला लेता हूँ और यहाँ पे निकल लेता हूँ। अब भाई गाड़ी को लहराते मैं जोन के अंदर चले जाता हूँ और यहाँ पे जोन तो बहुत ही काट रहा था, बस बंदा भी दिख जाता। बंदा जैसे ही दिखा भाई उसको टोक के खत्म कर दिया और इसी के साथ 4 किल आ गए। और यहाँ पे भाई अब मैकटेन की अच्छी खासी पुशिंग मिल जाएगी और यहाँ पे भाई मुझे गाड़ी चेंज करनी पड़ी और भाई रिक्शा लेके जैसे ही जा रहा था, बट ये रिक्शा ना भाई चलती नहीं हमसे, बट जैसे तैसे करके मैं इसको चला ही रहा था भाई। ये मूवमेंट ज्यादा नहीं करती यार, बट इसको जैसे तैसे चलाना था यार। अब मुझे सेफ जोन में फटाफट से जाना है और यहाँ पे भाई सेफ जोन में चले ही जाता हूँ और यहाँ पे मेडिकेट लगा लेता हूँ। और यहाँ पे भाई अब जैसे जा रहा था सामने की ओर बंदा दिख जाता है, नीचे बैठा ही हुआ है, यहाँ इसको डैमेज देने जा ही रहा था भाई, ये कूद जाता है। बट अब जैसे कूदता है भाई उसको डैमेज देता हूँ मैं भाई तगड़ा और यहाँ पे भाई मैं ग्लो लगाता हूँ और इतनी देर में मर जाता हूँ यार। ये डैमेज देने लग जाता है और इसी के साथ भाई ये मैच हमारा एंड हो जाता है। बट 26 रैंकिंग मिल जाती है एंड मैकटेन 100+ हो जाती है भाई, और क्या चाहिए हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट मैच में। नेक्स्ट मैच में भाई लैंडिंग करने के साथ यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे भाई बॉक्सिंग जिम के पास में यहाँ पे बंदे भी उतरे और यहाँ पे लूट कर लेता हूँ फटाफट से। और यहाँ पे बंदे की फुट स्टेप आ रही है तो भाई बंदा आता ही होगा, यहाँ पे वेट ही कर रहा था। बंदा आ जाता है, पैरा फर्स्ट उसको भाई इतना डैमेज देता हूँ कि भाई जैसे ही बाहर आता है और डैमेज देके खत्म ही कर देता हूँ। चलो भाई यहाँ पे 1 किल तो आता है और 1 किल आने के बाद भाई यहाँ पे लूट लेता हूँ फटाफट से। भाई हमारे पास लूट ही नहीं थी यार, 1 ही गन थी और 1 ही गन से हम कब तक खेलते। और यहाँ पे भाई मैं जैसे ही जीप चला रहा था और भाई देखो सामने बंदा आ जाता है, अब इसको तो ठोक दिया और ठोकने के साथ भाई मैकटेन भी मिली हुई थी तो इसको डैमेज देने ही जाता हूँ और भाई ग्लोल से पैक हो जाता है ये। अब यहाँ पे भाई इसको रोटेशन लेके मारना पड़ेगा। अब जैसे ही जाता हूँ इसको डैमेज देता हूँ, डैमेज देने के बाद भाई इसने भी हमको डैमेज दिया है और हम इसको खत्म कर देते हैं। और इसी के साथ 2 किल आ
जाते हैं। अब फटाफट से यहाँ पे भी लूट लेते हैं और मेडिकेट लगा लेते हैं। अब यहाँ से निकल लेते हैं भाई जीप लेके। अब यहाँ पे भाई देखो हमारे पास जीप थी, अब यहाँ से निकल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बंदा भी पीछे डैमेज दे रहा था भाई पहले, बट अभी थोड़ा शांत हो गया तो हम निकल लेते हैं। और इधर की साइड आता हूँ मैं, अब भाई मैं डेंजर जोन में चले जाता हूँ। बट यहाँ पे देखो सामने बंदा होता है, उसको ठोक देता हूँ भाई। कहाँ से निकाला ठोक के इसको, और यहाँ पे भाई ये टेलीपोर्ट हो रहा था तो इसको जाके भाई डायरेक्ट ही रश कर दिया और खत्म कर दिया। और नहीं यार पीछे से भी डैमेज आ रहा है, और अब फटाफट से ग्लो लगा लियो और यहाँ पे तो बच गया भाई मैं, नहीं तो अभी खत्म ही हो जाता। बट यहाँ से लूट करके यहाँ पे आया भाई, यहाँ पे भी बंदा दिख जाता। अब जैसे उतर के उसको डैमेज देना स्टार्ट किया है भाई, ये तो कलुआ था, इसको खत्म भी कर दिया। और अब भाई उसको खत्म किया और मैं भी खत्म हो गया। यार बंदे ने कहाँ से चढ़ के मारा यार, ये भाई कैंपर्स होते हैं यार ऐसे। एंड इस मैच की रैंक की बात करें और यहाँ पे भाई देखो 31 रैंक मिल चुकी है और 100 ग्लोरी मिल चुकी है। नेक्स्ट ही मैच में भाई देखो एक बंदा था जो नाक में दम करके रखा था यार, इसने इतना डैमेज दो उतना डैमेज दे रहा था। अब इसको एंड में खत्म कर देता हूँ और खत्म करने के साथ इसको लूट लेता हूँ। बट इतने में एक और बंदा आ जाता है भाई इसको खत्म करने के बाद, और मेरे पास थी ड्रैगन तो इसको गोली दे देके भाई उसको भाई कितना ही डैमेज दिया मैंने और लास्ट में इसको खत्म कर दिया। बट एक बंदा और आ रहा है भाई देखो यहाँ पे गेट के पास से दिख रहा है, तो इसको भी खत्म करने के लिए भाई थोड़ा नॉर्मल होके खेलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भाई ज्यादा रश करेंगे तो ये हमको मार देगा। और यहाँ पे भाई देखो हमने जैसा सोचा वैसा ही किया और यहाँ पे खत्म कर दिया और 3 किल हो चुके और भाई 27 बंदे अलाइव। और यहाँ पे एक और बंदा दिख जाता है भाई जो कि बहुत दूर था, तो यहाँ पे इसको खोल के इसको भाई डैमेज पे डैमेज देके खत्म कर देता हूँ हेडशॉट लगा के। अब यहाँ पे भाई हमारे 4 किल हो गए और यहाँ पे एक और बंदा दिख जाता है, और जैसे ही दिखा भाई उसको तो ठोक दिया। अब जाके फटाफट से डैमेज देता हूँ, बट इसके पास नेरी वाली ग्लू थी। और भाई ये देखो अब जैसे बाहर आता है उसकी हेल्थ भी थोड़ी रिकवर हो गई और यहाँ से थोड़ा बचना पड़ेगा। और यहाँ पे बंदा जैसे ही क्लियर दिखा इसको खत्म कर दिया और यहाँ पे 5 किल ले लेते और यहाँ पे भाई लूट कर लेते फटाफट से। एंड अब मैं भाई लैम्बोर्गिनी लेके निकल ही रहा था बट सामने की ओर भाई बंदा दिख जाता है जो कि हुकोंग बना हुआ था, इसको जाके ठोक के भाई डैमेज देके खत्म कर देता हूँ। और इसी के साथ 6 किल हो जाते हमारे, फटाफट से इसको भी लूट लेते एंड यहाँ से भी निकल लेते हैं। बट यहाँ पे भाई बंदे 6 लाइव है और यहाँ पे भाई एक बंदे को ठोक दिया और भाई लिटरली बहुत ही दूर पड़ा यार ये। अब यहाँ पे ग्लोअर लगा के बच तो लेगा, बट मैं FGL का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे भाई यार। प्लस नेरी भी है इसके पास देखो, अब नेरी से भाई ये थोड़ा रिकवर तो होता ही रहेगा। बट डिमिट्री भी है और यहाँ पे भाई ये तो बच जाएगा मुझे लग रहा है क्योंकि डैमेज भी दे रहा हूँ, उसको कितना डैमेज दिया यार। बट इसने देखो यार सोनिया लगा लिया और सोनिया लग के भी मर गया, बट हमारा किल नहीं हुआ। एंड इस मैच का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। बट इस मैच में भाई मेरे हाथ में MP14 थी और यहाँ पे भाई बंदा भी दिख जाता, और जैसे बंदा दिखा ये बंदा मेरी तरफ नहीं देखता और इसको डैमेज देके ही खत्म कर देता हूँ मैं। और इसी के साथ 1 किल आ जाता हमारा स्टार्टिंग में। एंड आज 4 स्टार कैसे भी करके लगाना है, तो भाई आज के गेम प्ले बहुत ही तगड़े होंगे और भाई वीडियो को पूरा देखना। और यहाँ पे देखो एक और बंदा दिख जाता है जैसे कि 4 स्टेप आ रही थी मुझे, बट इसने मुझे नहीं देखा और यहाँ पे 2 बंदे आ जाते हैं। और यहाँ पे भाई यहाँ पे हाथ साफ करने का फुल मौका था मेरे पास और जाके भाई एक बंदे को डाउन था तो इसको खत्म कर देता हूँ मैं और ये मेरा किल हो जाता है। अब ये जैसे डाउन था इसको फिर से खत्म कर दिया और ये आ गया मेरा किल। बट अभी तक मैं 10 नहीं मिली, बट यहाँ पे एक और बंदा है, यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ। और यहाँ पे भाई साइड से डैमेज आने लग जाता तो यहाँ पे मैं पेक हो जाता हूँ और यहाँ पे मेडिकेट मार लेता हूँ। एंड वो भाई ग्लोअल फोड़ ही रहा था और यहाँ पे जैसे ग्लोअल फूटने वाली थी मैं घर में जाके भाई उसके ऊपर रश कर देता हूँ। रश करने के बाद इसको डैमेज तो दिया और यहाँ पे भाई जाके इसको फिनिश करने ही वाला था, बट डिमिट्री वाला है ये तो इसको खत्म भी कर देता हूँ। और इसी के साथ 3 किल हो चुके हो, बट यहाँ पे हमें MP10 ही नहीं मिल रही यार भाई, क्या ही चल रहा है सीन। बट अब भाई यहाँ पे 3 किल हो चुके और सीरियसली होके खेलना पड़ेगा। देखो अब जा ही रहा था रिक्शे से और यहाँ पे एक और बंदा दिख जाता है जो कि थोड़ा सा बचा यार हमसे, वरना इसको भी ठोक के भाई किल ले लेते। बट यहाँ पे ये डैमेज दे रहा था, मैंने भी उसको डैमेज दिया और जाके रश कर दिया भाई सीधे, इसको लगा कि मैं मारूंगा नहीं बट इसको मार के चले जाता हूं मैं। चलो यार इस मैच में रैंक का तो बहुत ही तगड़ी पुश होने वाली क्योंकि देखो यहाँ पे गाड़ी लेके फिर से जा रहा था और एक और बंदा दिख जाता है। और यहाँ पे भाई देखो जोन में जा रहा था और बंदा भी दिख रहा है, उसको ठोक दिया भाई जाके डायरेक्टली। एंड ठोक के भाई उसको डैमेज देने लग गया और डैमेज देने के बाद इसके ऊपर रश कर दिया। और भाई नेरी ग्लोअल थी उसके पास, बट इसकी रिकवर हो रही है हेल्थ। बट यहाँ पे मैं फ्रेजर फेंकता हूँ और यहाँ पे वेट करता हूँ और ये भाई देखो ग्लोअल के बीच में थोड़ी जगह बना लेता और यहाँ से ही घुस के उसको खत्म कर देता हूँ। यार मजा आ गया यहाँ पे तो। और चलो भाई यहाँ पे 5 किल हो चुके और यहाँ से निकलते भाई जोन बहुत दूर चले गया है। अब यहाँ पे मेडिकेट लगा लेता और निकल लेता हूँ मैं। और यहाँ पे भाई जोन के अंदर जाने ही वाला हूँ मैं सेफ जोन में, और यहाँ पे बच गया भाई। यहाँ पे फटाफट से गन स्विच करके निकल ही रहा था मैं, बट भाई पीछे से डैमेज आने लग जाता है और डैमेज जैसे ही आ रहा था मैं घर में घुस जाता और यहाँ पे भाई बंदा अब यहाँ पे क्या ही करता भाई, उसके ऊपर डायरेक्टली इतनी गोलियां चलाई भाई को, देखो कितना डैमेज दिया। बट इसने भी ग्लोअल लगा ली है। अरे नहीं यार ये तो डाउन हो गया यार, अब इसके ऊपर बमबारी करनी पड़ेगी। एक बॉम्ब फेंका, ये मेरे पास आ गया रिटर्न और यहाँ पे एक बॉम्ब चले जाता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लोअल लगा के कवर में जैसे ही आता हूँ और ये बंदा भी खत्म हो जाता है। इसी के साथ 6 किल हो गए हमारे और भाई क्या ही मैच निकल रहा है। बट सामने की ओर बंदा है, इसको डैमेज देता हूँ, बट ये भाई FGL चला देता है हमारे ऊपर, तो हम भी FGL चला देते हैं। और यहाँ पे 40 का डैमेज तो नहीं पड़ा भाई उसको, बट 18 का पड़ा। और यहाँ पे भाई मैंने डैमेज दिया था यार। नहीं यार ये मैच भी हाथ से चले गया यार, ये आ जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। बट ये मैच भी अच्छा
अच्छा गया है, 831 रैंक मिल चुकी है एंड भाई यहाँ पे 100 ग्लोरी भी मिल चुकी है। एंड नेक्स्ट मैच में तो मैं पानी वाली गाड़ी चला रहा था और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे बंदे ने हिट लिस्ट लगाई थी और यहाँ पे ही आ गया। यहाँ पे उसको डैमेज तो दिया, ठोक दिया और यहाँ पे जाके उसको मैक्स 7 से मारना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखो भाई, ये बंदा निकल ही नहीं रहा था। अब जैसे ही निकले तो उसको डैमेज दूं, मैं फटाफट से गाड़ी में जाके उसको और डैमेज देता हूँ और फिर से ये ग्लोअर लगा लेगा। देखो भाई ये ग्लोअर लगा लिया। अब यहाँ पे भाई मैक्स 7 से उसको डैमेज देता हूँ और ये हुकोंग बन जाता है और यहाँ पे भाई फाइनली इसको खत्म कर देता हूँ और एक किल ले लेता हूँ। अब यहाँ से लूट के निकल लेते हैं क्योंकि भाई बंदों के पास मार कर चले गए। अब यहाँ पे आता हूँ मोस्टर ट्रक के पास, भाई मोस्टर ट्रक में बैठ जाता हूँ। फटाफट से यहाँ से निकल ही रहा था, सामने की ओर बंदा दिख जाता है और अब इसको ठोकने ही जा रहा था भाई, इतने में ये खिड़की में से नहीं निकलता और यहाँ पे देखो भाई उधर की साइड चले जाता और यहाँ पे मैं इसके ऊपर चढ़ जाता और इसके ऊपर फायरिंग चालू कर देता हूँ। बट ये भाई तो हेडशॉट पे हेडशॉट देके खत्म कर देता है यार। और इस मैच में भी अच्छी प्लस नहीं मिली बट भाई मिल चुकी हमको थोड़ी बहुत भी। और इसी के साथ हमारे 4 स्टार लग चुके हैं और भाई अभी बहुत ही कम समय बचा है तो हमको मास्टर भी लगाना है फटाफट से। एंड अब नेक्स्ट मैच में तो देखो भाई यहाँ पे आता और ये बंदा आ जाता है सामने से और यहाँ पे इसको डैमेज देके ही खत्म कर देता हूँ। एक किल आ जाता है मेरा, चलो यहाँ पे एक किल तो आता है। और यहाँ पे भाई देखो यहाँ पे लैम्बोर्गिनी लेके जा ही रहा था और सामने की ओर एक और बंदा दिख जाता है, उसको भी ठोक देता हूँ और इसको ठोक के भाई खत्म ही कर देता हूँ। और 2 किल हो चुके हैं भाई हमारे, अब फटाफट से इसको भी लूट लेता हूँ। लूटने के बाद निकल लेता हूँ भाई। कभी भी रैंक पुशिंग करता हूँ ना मैं तो गाड़ी लेके निकलता हूँ क्योंकि गाड़ी से बंदे जल्दी दिख जाते और भाई ठोकने में मजा भी आता है। जैसे कि यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है, इसको ठोक नहीं गया था बट ये बच जाता है। बट अब इसको उतर के मैक 10 से डैमेज पे डैमेज दे रहा था भाई, एक साथ गोलियां चला रहा था बट ये मरता नहीं। और यहाँ पे भाई मैं बैरिकेड मार लेता और इधर की साइड आता हूँ, ये भी आ जाता है इधर की साइड, दोनों एक दूसरे को डैमेज देते और मैं इसमें हेडशॉट देके खत्म कर देता हूँ और भाई 3 किल हो जाते हमारे। बट गाइस यार यहाँ पे मैं देखो इस बंदे को ठोकने ही जा रहा था बट यहाँ पे गाड़ी अटक जाती है और गाड़ी अटकने के साथ ये बंदा भाई इसमें फायदा उठा लेता है। देखो पीछे से अब डैमेज देने लग जाता है बट इसको ठोक देता हूँ मैं, बट मेरा एम इसके ऊपर लॉक नहीं होता और ये डैमेज दे देता है हमको तगड़ा। अब यहाँ पे मैं फिर से भागने की ट्राई कर रहा था बट यहाँ फिर से अटक जाता हूँ यार। और इसी के साथ मैच का हो जाता है द एंड। और भाई यहाँ पे प्लस देख लेते हैं भाई, मैक 10 की तो बहुत ही अच्छी प्लस मिल चुकी है। एंड आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बता देना। फटाफट से देख लेते हैं हमारी ग्लोरी और रैंक पुशिंग कितनी हुई है। एंड भाई रैंक पुशिंग में हमने 4 स्टार लगा दिए और ऊपर भी रैंक पुशिंग कर दिया। फटाफट से ग्लोरी पुशिंग देख लेते हैं। एंड भाई ग्लोरी पुशिंग में तो हमने भाई मध्य प्रदेश का टाइटल अभी तक लिया नहीं है बट हमने हमारी डिस्ट्रिक्ट का टाइटल नंबर 1 पे आ चुके और ले भी लिया है। और अब भाई हमारा एम है भाई मास्टर जाना और मध्य प्रदेश का टाइटल लेना। तो फटाफट से हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे तो फटाफट से हमको रैंक पुशिंग करनी पड़ेगी एंड ग्लोरी पुशिंग भी करनी पड़ेगी। तो वीडियो देख लेना भाई, अभी बहुत 3 से 4 वीडियो और आने वाले, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।